लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, किसी के लिए भी लाइफ में फूलों के साथ कांटे तो मिलते ही हैं, और हम सबको अपनी लाइफ में मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसा ही एक मुश्किल डिसीजन मुझे लेना पड़ा 15 साल की उम्र में, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई शिफ्ट होना चाहता हूँ, अपना ड्रीम एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का, उसे परस्यू करने के लिए। लेकिन तब मेरी उम्र छोटी थी, और मैं जब यहाँ मुंबई आया तो डर और घबराहट ने मुझ पर जीत पाली, और वापस मैं दिल्ली अपने घर अपनी कंफर्ट लाइफ में वापस चला गया। लेकिन 2 साल बाद जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने ये ठान लिया था, मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरी लाइफ का एक ही गोल है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूज़िक दुनिया तक पहुँचे। और 17 साल की उम्र में दोबारा वो मुश्किल डिसीजन मैंने लिया कि मैं अब यहाँ मुंबई शिफ्ट होऊंगा, अपने एक सिक्योर्ड पैम्पर्ड ब्यूटिफुल फैमिली लाइफ छोड़ के मैं यहाँ पर अकेला मुंबई आ गया। यहाँ पर वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी, एक अनसर्टेनिटी, एक फियरफुलनेस की जो लाइफ थी वो मैंने अपनाई यहाँ पर। एंड जिस उम्र में टीनेज लाइफ या यंग लाइक यू नो अर्ली 20s, जिस टाइम पे बच्चे एक केयर फ्री लाइफ जी रहे होते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर एक अनसर्टेन इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जहाँ पर बहुत सारे प्रेशर्स और इनसिक्योरिटीज और फियर्स मेरे पे की लाइफ में जी रहा था, फुल ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन आज जब मेरा म्यूज़िक दुनिया के सामने आता है, दुनिया मेरा म्यूज़िक सुनती है, और मुझे मेरे आइडल्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो वाला दिन, उसको मैं याद करता हूँ कि जो वो मुश्किल डिसीजन मैंने लिया था, उसको सोच के मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो जो मैंने खोया, उसके बदले आज मैंने अपना सपना पाया, उसे साकार किया। एंड मुझे अब लगता है कि लाइफ में जब आप कुछ खोते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिग्रेटफुल आपको यू बिकम रिग्रेटफुल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आपको एक प्राइड फील होती है कि आपने जो खोया उसकी वजह से आपने जो पाया, आपको एक मोटिवेशन मिलती है लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों को अचीव करने के लिए।